हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए एक मॉक टेस्ट दोस्तों रीट के लिए लेके आए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं लेवल 1 के लिए होंगे। इसमें बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों शामिल किए गए हैं। ये एक मॉक टेस्ट होगा दोस्तों, धमाकेदार मॉक टेस्ट है, जिसमें आपको वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अंत में बताइएगा कि आपने कितने जवाब जो है 60 में से सही बताए हैं। आपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो आइए बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। तो पहला है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान दोस्तों, गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उसमें गुण का जो है विकास होता है, तो गुणात्मक परिवर्तन है वजन, ऑप्शन ए दोस्तों। गुणात्मक परिवर्तन क्या है? वजन है, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अब साथ के साथ देखते भी चलेगा दोस्तों कि आप इसका जवाब जानते हैं या नहीं जानते हैं, और अंत में बताएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन डी, लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, ऑप्शन डी दोस्तों। अगला है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो शिक्षकों को जो है दोस्तों वो अंतःक्रियात्मक विधियों को जो है अभ्यास में लाना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें अनिवार्य शब्द का जो अर्थ है वो है उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो ये बताता है दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर को, ऑप्शन ए दोस्तों। पूर्व परंपरागत स्तर पर बालक जो है उसमें दंड तथा आज्ञा पालन की अभिमुखता पाई जाती है दोस्तों, तो इसका कारण ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है किसकी एक प्रक्रिया है? तो ये है दोस्तों शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, अगला है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन और श्रेणीक्रम और पूर्व प्रक्रमण। तो इन चरणों को सही क्रम में हमें लगाना है दोस्तों। देखिए सही क्रम क्या होगा इनका।
तो सबसे पहले आता है दोस्तों, ये आता है क्या? पूर्व प्रक्रमण। सबसे पहले क्या आएगा? पूर्व प्रक्रमण आएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आएगा श्रेणीक्रम, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों प्रतिक्रिया चयन, और अंत में आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। देखते हैं कहाँ ऑप्शन इसका, यानी कि ऑप्शन डी दोस्तों, घ, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। श्रेणी क्रम में हमें लगाना था ठीक है। अगला है कि विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो विकास है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किन पर? ये लागू नहीं होता है ऑप्शन सी, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को हमेशा दोस्तों याद रखिए सार्थक शारीरिक हावभाव को समावेशित करना है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखते हैं कि आनुवंशिकता एक खालिस्तान सामाजिक संरचना मानी जाती है। तो आनुवंशिकता जो है दोस्तों एक स्थायिक सामाजिक संरचना मानी जाती है, ऑप्शन डी इसका जवाब हो दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन चुनना है दोस्तों, तो इसमें सही कथन है ऑप्शन ए। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही कथन होगा। ठीक है, अगला है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है दोस्तों सीखना, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? ये है दोस्तों ऑप्शन बी, विकास संयोगों का परिणाम है, ऑप्शन बी, ये कथन दोस्तों गलत है। अगला है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, ऑप्शन बी। अगला, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में
व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? परंतु पियाजे ने दोस्तों वो विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? समन्वित शिक्षा की सफलता दोस्तों ये निर्भर करती है शिक्षकों में अभिवर्तिगत परिवर्तन पर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला, किस दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सीखने का एक वैध परीक्षण है? तो ये है दोस्तों सहमत है, ऑप्शन ए। अगला है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह खालिस्तान नमूने को अनुगमन करती है। किस नमूने को अनुगमन करती है? ये करती है दोस्तों क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ठीक है, तो मैं दो कथन दे रखे हैं दोस्तों, देख लेते हैं इनको, कि सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है, क्या एक कुशल विधा है? दूसरा कथन है कि विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। दो कथन दे रखे हैं दोस्तों हमें। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना कि कौन सा जवाब इसमें सही मिलेगा। तो सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक की दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली भी है। दोनों ही कथन जो हैं दोस्तों वो अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में सही कथन है। तो ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, आनुवांशिकता का खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है। पीछे भी आया था दोस्तों, आनुवांशिकता का जो है एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ऑप्शन बी। अगला है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? तो ये प्रयुक्त की जाती है दोस्तों सांकेतिक भाषा, ऑप्शन बी।
अगला देखिए, स्तुत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है दोस्तों शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी। अगला है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था, तो किस पर किया गया था अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन बी, वन मानुषों पर, ऑप्शन बी। ठीक है, ये जो है दोस्तों वोल्फ गैं कोलर द्वारा किया गया था 1925 में, और इस चिंपैंजी या वनमानुष पर इसका जो है दोस्तों प्रयोग किया गया था। और उसका नाम भी पूछ ले तो इसका नाम था दोस्तों सुल्तान। क्या नाम था उसका? सुल्तान, चिंपैंजी का नाम था, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला, डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? डोल्टन शिक्षण विधि का जो विकास है दोस्तों वो किया गया था मिस हेलेन पाराकर्स्ट द्वारा, ऑप्शन सी। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों कि आप डोल्टन लगा दीजिएगा, बिल्कुल गलत होगा, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, मिस हेलेन पारकहर्स्ट द्वारा जो है डोल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय, ये हैं सिवाय चित्त रंगने के, ऑप्शन डी। अगला है, व्यक्तित्व विकास में ब्लैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में जो है दोस्तों बार बार आता है ये क्वेश्चन, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो है वो है दोस्तों पठन विकार से संबंधित, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं कि एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत किसकी होती है, किसकी जरूरत होती है? ये होती है दोस्तों विशेष सहायता की, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों पर। पहला देखिए कि पर्वतारोहियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो पर्वतारोहियों को दोस्तों खड़ी चढ़ाई का भी, बर्फीली हवाओं का भी, और ऊंचाई पर वायुदाब कम होने का भी, तीनों ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है, पर्यावरण अध्ययन में
संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। क्यों क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, इसी कारण से जो है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं अबू धाबी में। ऑप्शन डी ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ऐसा किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? पहले हम उनके 6 के नाम बता देते हैं आपको। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी, कम काम और खेल, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? तो सच है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो क्या है दोस्तों? देखिए, पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये महत्वपूर्ण थोड़ा सा नहीं है दोस्तों। अगला, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारें से बाहर सीखना, यह बिल्कुल ठीक है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ए सी डी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, गंग नहर परियोजना से पूर्व राजस्थान के कुछ भागों में कौन सी नहर प्रणाली से सिंचाई होती थी? तो ये होती थी दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर द्वारा, ऑप्शन डी।
ठीक है। अरे किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से, ऑप्शन डी, SO2 के घुलने से जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन विचार जो है, याद रखिए दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों प्रश्नकाल, ऑप्शन डी। अगला है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? ये है दोस्तों वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही वर्षा जल संग्रहण है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, भारतीय गेंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गेंडा ये संरक्षित है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो ऊर्जा प्रवाह के संबंध में दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। अगला, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ये रहती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, याद रखिए, टुंड्रा प्रदेश में, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों कंपास, ऑप्शन डी। ठीक है, डाउन्स जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया का एक शीतोष्ण घास प्रदेश है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। प्रेरित जो है संयुक्त राज्य अमेरिका,
वह कनाडा का शीतोष्ण कटिबंधीय है, घास का मैदान है, और पंपास जो है दोस्तों वो अर्जेंटीना का शीतोष्ण कटिबंधीय है, घास का प्रदेश है दोस्तों। लेकिन कंपास जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला है, ये जनसंख्या के आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दोस्तों, याद रखिए, एशिया, ऑप्शन ए। अगला देखिए कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजाति दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है, ऑप्शन डी, याद रखिए दोस्तों। अगला है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसके रूप में? ये की गई है दोस्तों सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन ए। अगला देखिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्थाओं में, ऑप्शन बी। अगला, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? याद रखिए दोस्तों, ये होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष, ऑप्शन सी। अगला है, सूची वन और सूची दो दे रखी है दोस्तों एक तरफ है, तो हमें सुमेलित करने हैं इनको। देखते हैं पहले भारतीय संघ, भारतीय संघ जो है दोस्तों वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, ठीक है। राज्य जो है दोस्तों वो राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है। नगर निगम जो है वो मेयर से संबंधित है, और ग्राम पंचायत जो है दोस्तों वो सरपंच से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका जवाब? ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? अनुच्छेद 356 जो है दोस्तों उसका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन डी, केरल में 1959 में। अगला, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है दोस्तों गृह कर, ऑप्शन सी। अगला, एक नव नियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी दोस्तों वो होगी कि शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ऑप्शन डी दोस्तों।
ठीक है। अगला, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसे छोड़कर? केवल जो है सरल से किसे छोड़कर दोस्तों? केवल अमूर्त से मूर्त को छोड़कर, ऑप्शन डी को छोड़कर, केवल डी को छोड़कर दोस्तों, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, फ्लाई ऐश अपशिष्ट उत्पादित होता है, तो फ्लाई ऐश जो है दोस्तों वो थर्मल पावर परियोजना से संबंधित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और अंतिम दोस्तों इस मॉक टेस्ट का कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र या सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना जो है 1984 में अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों की गई थी। इस संस्था के उपकेंद्र जो हैं बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, रायपुर, गोवा, कोयम्बटूर में स्थित हैं दोस्तों। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय जो है दोस्तों वो अहमदाबाद में है। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों आपकी वीडियो जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप कमेंट के करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि आपके 60 में से कितने जवाब सही मिले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आरस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।